नेक्स्ट कार्ड है हमारा कार्मिक रिलेशनशिप। आप देख पा रहे हैं इसमें एक कपल पिक्चर है जो कि लग रहा है दे शेयर अ गुड बॉन्ड, और इसमें जो मेल है वो एक सोल्जर की तरह पोर्ट्रे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ जो लेडी है वो उन्हें सी ऑफ करने आई है, दैट ही इज गोइंग फॉर हिज ड्यूटी। क्योंकि ये जो सीन है ये एयरपोर्ट का है और साथ में शायद एक फाइटर प्लेन है, तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि एक या उससे ज्यादा लोग आपकी जो करंट लाइफ के हैं वो प्रीवियस लाइफ से आए हो, आपकी पास्ट लाइफ से उठकर आए हैं, पिछली जिंदगी से उठ के आए हैं, क्योंकि पिछली जिंदगी में आप लोगों के रिलेशनशिप इम्बैलेंस्ड वे में खत्म हुए। ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी फीलिंग अभी भी आपके अंदर रह गई क्योंकि वो इम्बैलेंस थी, तो इसलिए आपने दोबारा से जन्म लिया और उन्हीं लोगों के आसपास जन्म लिया कि आप खुद को उन फीलिंग से आजाद कर सके। मैम ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये हाँ जैसे ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन लव रिलेशंस की बात कर रहे हैं या ये नॉर्मल रिलेशंस की बात है? देखिए ये नॉर्मल रिलेशन में भी आएगा, हस्बैंड वाइफ में भी आएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ में स्पाउस वाला रिलेशनशिप रहा हो और इस लाइफ में वो रिलेशनशिप बदल गया, डिपेंडिंग ऑन के पास्ट लाइफ में कौन सा एरिया आपके रिलेशनशिप का हील होना रह गया था या कहाँ पे इम्बैलेंस था। अच्छा, अगर सपोज ये कार्ड किसी का निकलता है और वो ये बोलता है कि इस लाइफ में जैसे मेरे को मदर से प्रॉब्लम है, तो ये अगर मदर से प्रॉब्लम है तो मीन कैसे, मतलब क्या ये कैसे प्रिडिक्शन चल रही है, कैसे जा रहा है ये पास्ट लाइफ से, कैसे हम रिलेट कर रहे हैं? मदर से ले लीजिए या सिस्टर से ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए। हाँ आप लास्ट सेशन में थे? नो मैम। तो नीना जी आई वुड रिक्वेस्ट यू आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि पास्ट लाइफ कार्ड्स देखते समय हम करंट लाइफ के सिम्टम्स पे काम करते हैं और वो मैं आपको हर कार्ड के एक्सप्लेनेशन के साथ बताती जा रही हूँ कि करंट लाइफ में वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। जो अगर ये कार्ड आता है कार्मिक रिलेशनशिप का और आप उनसे पूछेंगे तो उनकी प्रेजेंट लाइफ में जो रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज होंगे उसमें डिस्ट्रक्टिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न आ रहा होगा। कई बार ऐसा कार्ड तब आता है जब पिछले जन्म में कुछ ऐसे सोल्स दूर हो गए जिन्हें मिलना चाहिए था और वो इस जन्म में आकर मिलेंगे, तो हो सकता है सोलमेट की तरह उन्होंने जन्म लिया हो, हो सकता है कोई नई फ्रेंडशिप या कोई हेल्दी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो जो आपको कंफर्ट दे इस लाइफ में। जैसे ये हो सकता है, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, जैसे किसी ने अपनी मदर को यंग एज में खो दिया, किसी ने फादर को खो दिया, सिंगल पेरेंटिंग है, तो ऐसे लोगों के आसपास आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा हमेशा जो उनको कंफर्ट दे पाया हो, चाहे वो दोस्त के फॉर्म में हो, चाहे वो सिबलिंग के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जिससे कि उनकी उम्मीद बंधी रही। तो ये आपके रिलेशन कैसे हुए, ये पास्ट लाइफ से आने वाले रिलेशन है, क्योंकि पास्ट लाइफ में इन दोनों का कनेक्शन इतना डीप रहा होगा कि इस लाइफ में भी वो उसे कंप्लीट करने आ गए कि टफ टाइम्स में एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। ऐसे आपने बहुत सारे फ्रेंड्स देखे होंगे जो ऑड टाइमिंग में बिना इन्फॉर्म किए अपने आप रियलाइज कर लेते हैं कि उनका दोस्त या फ्रेंड मुसीबत में है, अचानक से कहीं ना कहीं से वो प्रकट हो जाएंगे या उनका फोन आ जाएगा। तो ये कनेक्शंस पास्ट लाइफ से आते हैं, कई बारी ये सिबलिंग्स के साथ भी होता है,
कई बारी पेरेंट्स के साथ भी होता है, कई बारी आपके स्पाउस के साथ भी होता है। तो अगर आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस हेल्दी रहे हैं तो आप ऐसे लोगों से जब भी मिलेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और ऐसा लगेगा कि आप उन्हें बहुत पहले से जानते हैं। ये कार्ड एक जवाब बन के आता है उस क्वेश्चन का या कंसर्न का जिसमें कार्मिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी पुरानी एनर्जी को या इमोशन को रिलीज कर सकते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं जो आपको रिलेशनशिप हीलिंग में हेल्प करे। और इसमें करना कुछ नहीं होता है, आप अपनी लाइफ में अलग अलग पार्ट्स में जाके उन सारी कॉर्ड्स को कट करोगे, सिर्फ इसी लाइफ के नहीं पास्ट लाइफ के भी, सारी कॉर्ड से खुद को रिलीज करोगे, फॉरगिवनेस करोगे कि वो कार्य आपका पूरा नहीं हो पाया और कार्मिकली आप उसे इस जीवन में पूरा करेंगे। अब क्लियर है नीना जी? नीना जी यू देयर? सॉरी मैम, मैं म्यूट थी। यस मैम, सब कुछ बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से आपने समझाया है, इट्स एवरीथिंग इज टू गुड नाउ मैम। लेकिन एक पॉइंट और था, जैसे किसी के कोई फैमिली, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, बट सपोज हस्बैंड के दूसरे रिलेशंस और बन गए या वाइफ के दूसरे रिलेशंस बन गए, वो क्या चीज होती है, वो भी सेम इसी 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 कार्ड के अंदर आते हैं? देखिए, कई बारी सिचुएशन ऐसी आती है कि इस कार्ड, ये कार्ड अचानक से आ जाता है ऐसे रिलेशनशिप में, तो इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा अनफुलफिलिंग रहा है। और कई बारी जैसे ज्यादातर केसेस में, एक केस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक लेडी आई थी, उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे कुछ खास, सो शी वाज वेरी डिस्टर्ब। भाई लेडीज का जनरली होता है कि आफ्टर मैरिज उन्हें हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए चाहिए, अब उनके हस्बैंड नहीं कर रहे थे और उन्होंने जब ये पास्ट लाइफ कार्ड निकलवाया तो उसमें फिर कार्मिक रिलेशंस का कार्ड आया एंड दैट लेडी वॉज कंप्लेनिंग कि उनके हस्बैंड उनसे हमेशा पैसे डिमांड करते हैं और वैसे अगर इमोशनल या वैसे सपोर्ट की बात करें तो वो नहीं है। तो फिर उनका जब ये कार्ड आया तो वी न्यू के कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशन है जो उन्हें हील करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमने सेशन रखा था ऐसे ही मेडिटेशन के थ्रू जहां वो एक्सेस कर सके, तो डिटेल में ये आया कि पास्ट लाइफ में दिस लेडी वॉज वेरी ब्यूटिफुल और जो उनके हस्बैंड थे वो उतने अच्छे नहीं थे लुक वाइज, तो कैसे भी करके शादी हो गई थी लेकिन इन्होंने उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी, पूरी लाइफ नहीं दी इन्होंने, और वो इंसान इनके लिए सब कुछ करते रहे। तो अभी क्या है, नाउ इट इज पे बैक टाइम, कार्मिकली तो पे बैक है। अब अगर आप इसको हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो यस, ऐसे रिलेशनशिप हील हो सकते हैं। आप पुराने जितने भी कार्मिक डेट्स लाए हैं उन्हें आप हील कर सकते हैं, आप अपनी इंटेंशन से उन्हें डेली हीलिंग देते रहिए और वो काम करती है। ओके मैम, तो जो हम ये हीलिंग उन्हें देंगे इससे जो नए नए रिलेशंस बने, जैसे हस्बैंड वाइफ का एक कपल का अपना ठीक चल रहा है, उसके अंदर अचानक से कोई और लव अफेयर आ जाता है, तो हम जो हीलिंग देते हैं उससे वो लव अफेयर वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा और वापस बॉन्ड में आ जाएंगे। देखिए, अब ये इस केस में चेक करना पड़ेगा कि किसके केस में हुआ ये, किसके मतलब हस्बैंड के या वाइफ, मतलब हाँ हस्बैंड के या वाइफ के, और इंटेंसिटी क्या रही, क्योंकि देखिए एक होता है कि हम हीलिंग देते हैं ना तो उससे डिटैचमेंट कंफर्टेबल हो जाता है, और दूसरा होता है कि वापस, अब वापस आना अगर कार्मिकली लिखा है तो वो वापस आएगा, लेकिन जो अभी के टाइम पे इस करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो 80% केसेस में वापसी नहीं हो रही है,
मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता रही हूँ जो मैं डे टू डे लाइफ में फेस करती हूँ, रीडिंग्स के तहत, हीलिंग्स के तहत, तो वापसी नहीं हो रही है। पीपल आर नाउ गेटिंग डिटैच्ड वेरी इजी, और कार्मिकली वो अपने लिए बिल्ड कर रहे हैं और डेट्स। ओके तो ये किसी के लिए कहना कि हाँ वो वापस लौट के आ जाए, तो ये आज की डेट में उतना ही मुश्किल हो गया है जितना पहले कन्वीनियंट होता था कि चलो गलती रियलाइज करेगा तो वापस आ जाएगा। ओके ओके क्योंकि ये बड़ा ही कॉमन हो गया आज की तारीख में। आज तो, और स्पेशली यंग जनरेशन तो बिल्कुल समझती ही नहीं है हस्बैंड वाइफ रिलेशन कुछ है। एक्चुअली टॉलरेंस भी खत्म हो गया। राइट राइट मैम, राइट। और आपको एक बहुत नॉर्मल सी बात बताऊंगी। देखिए, हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया है, हमने ड्रेसिंग सेंस वेस्टर्न कल्चर जैसी कर ली है, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा आए हैं। हम लोगों के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज मौजूद होती हैं, और क्योंकि हमारा पहनावा, हमारा कैरी करने का तरीका और एक माइंडसेट अब बहुत कुछ मैस्कुलिन होता जा रहा है, तो इसलिए आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपने आसपास भी देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर मैस्कुलिन हॉर्मोन इज बीइंग रिलीज्ड इन एक्सेस। ये हॉर्मोन्स कब रिलीज होते हैं? ये हमारे माइंडसेट के हिसाब से रिलीज होते हैं, हमारे इमोशंस के हिसाब से रिलीज होते हैं। जो हम खाते हैं, जैसा हम पहनते हैं, जैसी हमारी कंडीशनिंग होती है, वैसे रिलीज होते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे करके ये टॉलरेंस खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी कम होती जा रही है और मैस्कुलिन बढ़ती जा रही है। ओके मैम, मैम मेरा एक क्वेश्चन था हाँ जी, मैम। ये जो हमें अभी आपने बताया कि कार्मिक रिलेशनशिप में हमें फिर मेडिटेशन के थ्रू या इसको रिलीज करना है, कॉर्ड कट करके करना है, तो ये सारी टेक्निक्स आप हमें बताएंगे ना? एग्जैक्टली, तभी तो आपको एंजल्स के बारे में बता रही हूँ। ओके, थैंक यू सर सो मच। मैम एक क्वेश्चन है, जैसा आपने अभी बोला कि हाँ क्वालिटीज चेंज हो रही हैं, फीमेल्स के अंदर भी काफी ज्यादा मेल डोमिनेंस आ रहा है। मैम दैट इज ऑल नेचर ना, तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं उसके लिए, यस मैम, क्या कर सकते हैं फिर? क्योंकि उसके जो हमारी लिए आने वाली जनरेशन है, वो तो एक तो पहली बात तो कुछ सुनती नहीं है, और सुन भी ले या ना सुने, या कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली फॉर आवर चिल्ड्रन। देखिए, इट इज आपकी ना सुने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी सॉफ्टर साइड दिखा भी सकते हैं। देखिए बट मैम वो क्वेश्चन ये आया था ना कि एवरी टाइम व्हाई डू यू वांट मी टू एडजस्ट बीइंग अ नहीं गर्ल नहीं और समथिंग, वो एक चीज आ जाती है। इट इज नॉट मी टू एडजस्ट बीइंग अ गर्ल। सी, आई हैव टू सन्स, एग्जैक्टली, या ठीक है, और मेरे घर में जो कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं वो यही करते हैं कि सिंस वी आर लिविंग इन अ फैमिली, तो हम सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है हर एस्पेक्ट में। यस मैम, एंड माय पॉइंट इज के ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे हैं तो उन्हें किचन वर्क नहीं आना चाहिए। दे नो द किचन वर्क ऑल्सो। गॉड फॉरबिड अगर मेरी तबीयत खराब होती है या देयर इज नोबडी टू अटेंड, एटलीस्ट माई सन कैन कुक एंड ईट, इतना वो कर सकता है दैट इज देयर, दैट इज द फैमिली टाइज एंड ना? एवरीथिंग। बट तो आई एम ये टॉकिंग अबाउट चीजें, इज द मैम, वो जो जो फिजिकल एस्पेक्ट्स की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं और जो आ रहे हैं आने वाली जनरेशन में, उसको हम कैसे वो कर सकते हैं चेंज, या क्या? देखिए वही तो बता रही हूँ, हमें वापस से उसी पुराने टाइम में जाना होगा जब ऋग्वेद था। ऋग्वेद के टाइम में मेन एंड वेमेन वर ट्रीटेड इक्वली। जो इनके कपड़े भी होते थे वो कपड़े एक जैसे होते थे, तब औरतें भी टर्बन्स पहना करती थी, लेकिन तब हॉर्मोनल इश्यूज नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों साइड को इक्वली ट्रीट करते थे, देवर न्यूट्रल टूवर्ड्स इट, है ना? जैसे हमारा माइंडसेट क्या है कि अगर लड़का है वो रोएगा तो हमें गलत लगता है, लड़के नहीं रोते। क्यों नहीं रोते? इट इज गुड टू रिलीज योर इमोशन, इट इज गुड टू बी फ्री, तो रोने दीजिए।
सिमिलरली अगर लड़की है तो वो कुछ जगह रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, ऐसे नहीं, लेकिन हाँ सॉफ्टली उन्हें कंडीशन करना है कि दोनों अगर एक साथ है तो वो दे आर लाइक पीसेस ऑफ पजल्स, कि जब आप उन्हें इकट्ठा रखेंगे तभी वो पजल पूरी होगी, अलग अलग तो वो इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये माइंडसेट लाना है। I also want to say something. मुझे लगता है कि जैसे आजकल बॉयज तो तब भी थोड़े समझदार है, इवन छोटे बच्चे भी जो बॉयज होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग मुझे लगते हैं, गर्ल्स ज्यादा रेजिस्ट करती हैं कि मुझे क्यों करना है, या तो समझ नहीं आता कि अगर अगर उनको समझाए कि नहीं बेटा ये करना जरूरी है तो अच्छा, तो मतलब किचन मुझे ही देखना, मतलब बेटा करने को तैयार है पर बेटी नहीं करने को तैयार होती। नहीं नहीं, दिस हैपेंस। मेरे पास कई स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं जहाँ पे बॉयज का माइंडसेट अभी भी ऐसा है कि मुझे करना क्या है, मुझे तो बस पैसा कमाना है, तो ऐसा नहीं होता है हर जगह हर तरीके की। गर्ल्स को कैसे वो समझाया जाए कि नहीं ये चीज करना जरूरी है, क्योंकि अभी तो बच्चे छोटे हैं, लेकिन आजकल जैसे मैं और जगह पे देखती हूँ जो नई गर्ल्स शादी हो रही है, वे मतलब बहुत ओपन है, तो क्या उनको गाइड करा जाए? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, अगर आप अपने बच्चों को ग्राउंडिंग टेक्निक सिखा दे तो ये चैलेंजेस आएंगे ही नहीं, क्योंकि ग्राउंडिंग जिसकी हो गई ना तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी होगी ना ही इनस्टेबिलिटी होगी। तो अगर के थ्रू जो ग्राउंडिंग करते हैं वो वाला एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, हमें क्या करना है आज के टाइम पे, आप खुद देखिए आजकल, आपको पता है स्कूल्स में भी दे एंश्योर कि स्टूडेंट्स मेडिटेट करें, वो ग्राउंड करें खुद को। क्यों सिखा रहे हैं ये चीजें दोबारा से? ये चीजें इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि वो भी रियलाइज कर रहे हैं, हाँ वो एनर्जीज को सिंक्रोनाइज करना है। तो हमें तो पता है कि हमारी एग्जिस्टेंस एक एनर्जी की एग्जिस्टेंस है, हम लोग क्या है, एक ऊर्जा का ही तो प्रतीक है भाई। ये शरीर को अगर आप हटा दीजिए तो है क्या, ऊर्जा ही तो है हर इंडिविजुअल। तो अगर वो ऊर्जा सही दिशा में रहेगी तो वो दूसरों के काम आएगी, और अगर सही दिशा नहीं रहेगी तो वो ऊर्जा फिर किसी के काम नहीं आएगी। तो वही है, उस ऊर्जा को सही दिशा देनी है, तो ग्राउंडिंग हमें करवानी ही है। आप ये मान के चलिए आपके घर में बच्चे हैं या जो भी है, आप एक सिंपल प्रैक्टिस अगर वो मेडिटेट नहीं भी करते हैं करवा सकते हैं कि वो डेली सुबह उठ के नंगे पैर कम से कम आधा घंटा घास पे चले आसपास, तो जो घास के अंदर वो ओस जमी रहती है ना, वो बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, आपका माइंड एकदम प्योर एनर्जी से भर जाता है, आप बहुत फोकस्ड हो पाते हैं। तो वही है, सब चीजों का जवाब आपको वैदिक नॉलेज में मिल जाएगा। थैंक यू मैम। मैम आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े जो कि कभी हम शायद सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, बहुत बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच। मैम घास पे कितने बजे चलना है मैम, टाइमिंग बता सकते हैं मैम? देखिए सुबह सुबह चले, अर्ली मॉर्निंग चले जब धूप तेज ना हो, तो वो आपके शरीर की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है, आपको फोकस देती है और आपको ग्राउंडिंग में बहुत हेल्प करती है। प्लस जिन लोगों के चार्ट में कहते हैं मर्करी एलिमेंट बैलेंस नहीं है या नेचर से कनेक्ट करने की जरूरत है, तो प्लैनेटरी कंडीशंस को भी सुधार देती है। तो इसलिए बहुत सारे फायदे हैं नेचर से, आप जितना कनेक्ट करते जाएंगे उतना आपको रियलाइज होगा। मैम कितने मंथ, 7 बजे से पहले करना है? 7? हाँ जी। और इवनिंग में भी कर सकते हैं मैम? इवनिंग में नहीं, सुबह देखिए ओस का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो वो सुबह सुबह ही मिलेगा, शाम को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय सूर्योदय का समय भी होता है, तो सूर्य की ऊर्जा हमारे लिए बहुत अच्छी होती है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, क्योंकि आपको विटामिन डी जो मिलेगा वो अर्ली मॉर्निंग की सनरेज में मिलेगा, उसके बाद तो फिर आपको यूवी रेज और सारी मिक्स्ड रेज मिलेंगे जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, सो रिस्ट्रिक्टेड टू अर्ली मॉर्निंग। देन हम ग्राउंडिंग भी सिखा देना मैम थोड़ा सा, किस तरह से ग्राउंडिंग करना है। बिल्कुल ओके मैम, ये जो आपने बताया ये कार्मिक कनेक्शन जिसके साथ भी, अगर मेरा अच्छा रिलेशन किसी के साथ है, क्या जरूरी है क्या मेरा उसके साथ कार्मिक रिलेशनशिप हो?
देखिए कई बारी होता है, कई बारी क्या होता है कि आपके ब्लड लिनेज का रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, इतनी अच्छी कि आपको कब किस चीज की जरूरत है वो रियलाइज कर लेंगे और उनकी कंपनी में आप खुद को बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन होता है। मैम जिन्हें आप बेस्ट फ्रेंड्स कहते हो वो आपके कार्मिक रिलेशन का ही रिजल्ट है, इसका मतलब तो यही हुआ। देखिए बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, सिस्टर्स भी होती हैं। कई अगर आप सिस्टर्स को लेंगे तो बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। राइट राइट, तो वो भी कार्मिक रिलेशन होता है कि हो सकता है प्रीवियस लाइफ में वो बेस्ट फ्रेंड्स रही हूँ और इस लाइफ में वो बहनों के रूप में जन्मी और बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं वो एक दूसरे से, तो वो भी रहते हैं। राइट मैम, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स मतलब तो एग्जैक्टली वही हो गया ना कि कार्मिक रिलेशन ही है तभी आज के।